मुख्यमंत्री के आदेश अनुसार बुधवार सुबह 10 बजे स्थानीय विजय टॉकी चौराहे पर प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि सहित स्वास्थ्य अधिकारियों की मौजूदगी में किल कोरोना अभियान की शुरुआत हुई। जानकारी के अनुसार आज पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। देश प्रदेश और हमारा जिला भी इस महामारी से 4 माह से लगातार संघर्ष कर रहा है। हमारे कोरोना योद्धा इस मिशन में लगे हुए हैं। अब ये योद्धा जिले के हर घर घर पहुंचकर सर्वे और जांच करेंगे। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि किल कोरोना अभियान में घर घर पहुंच रहे सर्वे दल को आवश्यक जानकारी देकर सहयोग करें। टीम तैयार की है और वो घर घर जाएगी, वार्डों में जाएगी, पूरे पंचायतों पे जाएगी, पूरे जिले में जाएगी और इस अभियान के माध्यम से टेस्टिंग करेगी और किसी को खांसी होगी, सर्दी होगी, उसकी जांच करेगी और उसको सही राय देने का, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं देने का काम करेगी। ठीक, क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम का? आज से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार नीमच में किल कोरोना अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत नीमच शहर का अर्बन और हमारा ग्रामीण सभी क्षेत्रों में घर घर जाके हमारी टीम सर्वे करेंगी। इस सर्वे में हम लोग सर्दी खांसी जुकाम बुखार, इसके अलावा मलेरिया डेंगू के पेशेंट या अन्य कोई बीमारी के पेशेंट हैं उनका हम लोग परीक्षण करेंगे, उसके बाद उनकी सैंपलिंग कराएंगे। और हमारा उद्देश्य इस अभियान के अंतर्गत यही है कि पूरे नीमच शहर का हर घर हर कोना हम लोग कवर करें और उन सारे लोगों का हम परीक्षण कर पाएँ जो कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं या फिर प्रभावित हो सकते हैं। इसके लिए हमने लगभग 134 टीमें बनाई हैं। ये इन टीम्स को हमने सेक्टर्स में बांटा है, साथ ही साथ हमारे SDM तहसीलदार भी इस सर्वे का मॉनिटरिंग करेंगे सेक्टर लेवल पे, और साथ ही साथ हमने हर सेक्टर टीम के साथ एम्बुलेंस भी अटैच करी है जिससे कोई भी आदमी हमको उसका तुरंत परीक्षण करना हो उसको हम लोग तुरंत सैम्पलिंग करा पाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमने गाँव में भी शुरू कर दिया है सर्वे। आज अभियान में हम लोग नीमच शहर में तो ऑलरेडी कर रहे थे, अब हमने गाँव को भी इंक्लूड करने के लिए इसमें प्रयास किया है। और जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि अब हमारे पूरे शहर का, पूरा शहर मतलब नीमच जिला जैसे कहते हैं, नीमच जिले का हर घर में स्क्रीनिंग होगी, हर आदमी इससे प्रभावित होगा, हर आदमी को हम लोग ढूंढेंगे जिससे सर्दी खांसी जुकाम का कोई भी पेशेंट है वो बचे ना, और सारे से ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम सैम्पलिंग कराएंगे। अब आप देखेंगे कि अगले 15 दिनों में हमारी सैम्पलिंग भी बहुत बढ़ जाएगी। तो प्रयास यही है इस अभियान के तहत कि हम लोग कोरोना संक्रमण को बैकफुट पे नहीं बल्कि फ्रंट फुट पे लड़ाई लड़ें इसकी। जी देखिए, जैसे कि आप जान रहे हैं हम लोग पूरा बाज़ार खुला हुआ, पूरा सिटी खुला हुआ है, इस कारण से लोग आ जा रहे हैं। मनासा में जो केसेज आए वो रशिया से डॉक्टर आए थे उनके कारण वहाँ पे आया। दूसरा केस भी वहाँ पे झालावाड़ से एक महिला आई थी, वहाँ से संक्रमण आया। इस तरीके से आप देखेंगे जो लोग बाहर से आ जा रहे हैं इस कारण से हर जगह बढ़ रहा है। आज कल जो नीमच में भी एक केस आया वो भी रशिया से एक हमारे स्टूडेंट आए थे। तो ये अब ऐसी चीज़ है जिससे हम लोग बच नहीं सकते। प्रयास यही रहे कि उसका हम परीक्षण कर लें, परीक्षण करके सैम्पलिंग कर लें, ये ज़्यादा ज़रूरी है, और उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो जाए। तो मेन चीज़ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी है, जितने से ज़्यादा लोग उस आदमी जुड़े हुए सैम्पलिंग होते हैं उतने बेहतर रिजल्ट आते हैं। नीमच में हमने देखा है, नीमच आज हमारे एक्टिव केसेज 21 हैं सिर्फ, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज हमारे लगभग 450 केस में से हमारे 95%, जो कंट्री की वन ऑफ द हाईएस्ट रिकवरी रेट है, वो हम लोग आज अचीव किए हुए हैं। मध्य प्रदेश में हमारी सब नंबर वन रिकवरी रेट है, हम 95% में हमारी रिकवरी हो रही है। तो इस कारण से इस जो पूरी लड़ाई का मुख्य उद्देश्य है कि जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करें और उन लोगों को हम आइसोलेट करें, तो जो हम लोग करने में अभी तक नीमच में सफल हुए हैं और हमारी रिकवरी रेट इस बात की गवाह है। तो मुझे लगता है हमको अपनी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा इस सफलता के लिए, और इस अभियान के अंतर्गत भी उनको मैं चाहूँगा कि वो अपने प्रयास भरपूर रखें, 100% से ज़्यादा रखें, जिससे हम इस अभियान को सफल बनाने में सफल बना पाएँ और साथ ही साथ कोरोना के संक्रमण को नीमच जिले में फैलने से रोक पाएं। वॉइस ऑफ MP के लिए चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अलीशा की रिपोर्ट।